अगर आप पैनल के टॉपिक को देखें तो मेरा ख्याल द फैक्ट कि हम इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं इतने सीनियर फोरम पे इज़ अ रिफ्लेक्शन कि हमारी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है। वरना ये कॉन्वर्सेशन के सोशल वर्क वॉलंटियरिज्म इसका क्या फ़ायदा है, इज़ नॉट इवन अ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि ये तो पहली जमात से आपके अंदर इनकलकेट होगा, सिविक सेंस होगी, यू विल बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और उसके बाद इस स्टेज पे आके भी डिसाइड कि ये किस तरह हार्नेस करना है अपने यूथ में। सो मेरा ख्याल इस बजाय इसके कि मैं ये इस बात पे अपना कोई ओपिनियन दूं कि इसकी अहमियत क्या है, लेट मी जस्ट से कि ऐसी चीजें वैक्यूम में नहीं होती, आपको एक सोसाइटी का इकोसिस्टम चाहिए, आपकी एक तरबियत की एक नौइयत है जो घर से शुरू होके शुरू से और यूनिवर्सिटी तक वो मच्योर हो चुकी होती है, और फिर आप उसको इस्तेमाल करते हैं सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, वहाँ पे सोशल वर्क, वॉलंटियर वर्क और ये आपकी इंटर्नशिप्स और ये सारा कुछ आता है। बदकिस्मती से हमारा वो इकोसिस्टम नहीं है, और जो इससे पहले पैनल था वो यही बात और ये जो जड़ा वाला अभी अभी आप बात कर रही हैं वो इसी वजह से हो रहा है कि वो इकोसिस्टम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं कॉन्फ्रेंस हम आते हैं, हम बोलते हैं, हम चले जाते हैं। मुझे अगर आप 2 मिनट दें तो मैं इसको किसी और जाविये से देखना चाहता हूं, वो ये है कि हमें अपने अंदर देखना होगा कि क्या हम एज यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेटर्स उस सिविक सेंस, उस सोशल वर्क, उस वॉलंटियरिज्म की तरफ ले जा रहे हैं अपने यूथ को, या वी आर इन द बिजनेस ऑफ इशूइंग अ पीस ऑफ पेपर कॉल्ड डिग्री। ये सवाल हमें अपने आप से पूछना होगा, बिकॉज अगर हमारा गोल 4 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद एक कागज का टुकड़ा देना है, तो फिर हमें इस बात पे हैरान नहीं होना चाहिए कि हमारे अंदर वो सिविक सेंस, वो सिटीजनरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। और बदकिस्मती से आई थिंक ओवर टाइम हमारी एजुकेशन सेक्टर में ये प्रॉब्लम आई है और बढ़ती जा रही है। सो एक तो हमें ये सोचना होगा, दूसरा ये है कि जो हमारा सोसाइटी का वो तबका है जो इस बात पे फैसला करता है कि एक स्टूडेंट ने कहाँ जाना है, क्या करना है, पेरेंट्स, फैमिलीज, उनसे भी ये बात हमें बार बार करनी होगी। तो मुझे कॉन्फ्रेंस में बड़ी खुशी होगी अगर हम एक डायलॉग वाइस चांसलर्स और पेरेंट्स के साथ करें कि हम सोसाइटी को ले जाना कहाँ चाहते हैं, ताकि वो बात ख़त्म हो कि जी सोशल साइंसेस पढ़ ली तो आगे होगा क्या। और तीसरी बात और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस से अगर हमें कुछ हासिल करना है तो मेरे नज़दीक हमें बैठ के एक प्लान बनाना चाहिए कि हाउ डू वी प्रमोट दिस। सो क्या हमारे पास कोई अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज़ क्या कोई ऐसी डेटाबेस बन सकती है जिसमें हमारे पास सारी लिस्ट हो ऑफ एनी वॉलंटियर वर्क, एनी कम्युनिटी सर्विस, एनी प्रैक्टिकल वर्क जो हम अपने स्टूडेंट्स को करवा सकें। अगर हम एक ये डेटाबेस बना दें, उसके बाद वाइस चांसलर्स बैठे और आपस में कलेबरेट करें, अगर लाहौर की 10 यूनिवर्सिटीज इकट्ठी हो जाएं और एक एक स्टूडेंट दे दें और एक प्रोजेक्ट उनके हवाले कर दें, तो फिर आप एज एन एजुकेशन सेक्टर कलेबरेट कर रहे हैं, डिफरेंट वैल्यूज को ला रहे हैं। कोई लिबरल आर्ट्स का बच्चा होगा, कोई आईटी का होगा, कोई बिजनेस, कोई इंजीनियरिंग, अपने अपने डिसिप्लिन से सोच के वो चीजें लाएंगे, और फिर वो कम्युनिटी का वो मसला जिसके लिए आपको वॉलंटियर वर्क चाहिए वो हल करेंगे। अगर तो हम ये चीजें करने को तैयार हैं तो फिर तो इस बहस का फायदा है। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, रियलिटी ये है कि हम एक दूसरे से बात नहीं करते, यूनिवर्सिटीज अपनी अपनी दुनिया में, कोलैबोरेशन की बजाय कंपटीशन है। सो जब वो माइंडसेट होगा तो फिर ये चीजें होना मुश्किल है। सो रादर देन मी सेइंग कि एचईसी क्या करे और बाहर वाला क्या करे, मैं अपनी तरफ उंगली उठा रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि लेट्स सिट टुगेदर, फिगर आउट, एक लिस्ट बनाएं कि ये 1500 जगह हैं जहां हमें प्रायोरिटाइज करना है वॉलंटियर वर्क, फिर यूनिवर्सिटीज इकट्ठी हों और अपने ग्रुप्स बनाएं, 5 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, एक एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से लें और उनको क्रेडिट आज उसके ऑफर करें कोर्स में, और जो इवेल्युएशन हैं उसमें शामिल कर दें। सो उसका इंसेंटिव भी बन जाएगा। लेकिन अगर हम ये नहीं करना चाहते टू एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स के वो खुद कहीं से टाइम निकाल के ये कर लेंगे, वो शायद ना हो सके। थैंक यू।